जय हिंद, आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की एलजी सरकार की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले चंद ही दिनों में भारी फेरबदल, जो जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक भारी फेरबदल होने जा रहा है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये जो आ रही खबर है ये कितनी सही है इसकी औपचारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ एक दिनों में, चंद ही दिनों की अगर हम बात करें तो चंद ही दिनों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर को अलविदा कहकर पुनः यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना वो बोलबाला, अपना वो दम दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः सक्रिय हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, इस समय जो मौजूदा टेन्योर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के नाते यहाँ पर काफ़ी पिछले कई महीनों से यहाँ पर उपराज्यपाल का दायित्व संभाले हुए हैं और आने वाले जो 2022 फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार का, जो वहाँ की राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत फरवरी के बाद किसी भी समय उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के विधानसभा चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश के लगभग एक दर्जन की जो वहाँ की जो सीट हैं उन सीट के ऊपर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भारी दबदबा और वहाँ की उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर से पुनः उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने के लिए यहां से भेज सकता है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन होंगे, जो आधिकारिक पुष्टि, जो एक विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जो खबर आ रही है उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के बड़े स्तर के नेता हैं उनका नाम इस समय टॉप लेवल पर चल रहा है। उसके बाद ओपी सिंह, दूसरा नाम ओपी सिंह साहब और आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस के विजय कुमार, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी प्रशासन के दौरान यहां पर एक एडवाइजर के नाते भी यहां पर कार्य करके गए हैं, ये तीन नाम इस समय कतार में चल रहे हैं और तीनों नाम टॉप रेस पे चल रहे हैं। अगला जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन होगा ये देखना और भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले दिनों में, जहां की अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिस प्रकार लगातार प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले जो मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रदेश नेतृत्व लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री के जो बड़े बड़े दावे करता है उसके लिए केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय अगला कौन सा चेहरा जम्मू कश्मीर का एलजी बनाकर जम्मू कश्मीर के अंदर उतारेगी, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो तमाम प्रशासन अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर की जनता का दिल जीतने के लिए भाजपा कौन से नेता के ऊपर सबसे बड़ा विश्वास दिलाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को लेकर आ रही है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय मनोज सिन्हा साहब को पुनः उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय कर सकता है और एक दर्जन जो सीट जिनका जो जिम्मेवारी मनोज सिन्हा साहब को दी जा सकती है, क्योंकि एक दर्जन भर जो वहाँ की जो विधानसभा की सीट है वहाँ पर उनका बोलबाला है, वहाँ पर उनकी जो पकड़ है उसको देखते हुए केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं इस बात को सोचने के लिए मजबूर है कि जम्मू कश्मीर से मनोज सिन्हा साहब को हटाकर पुनः उत्तर प्रदेश में लिया जाए। तीन नाम इस समय और यहाँ कि जो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है ये कितनी खबर सही है इसकी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो हमारे पास जो खबर आ रही है कि लगभग आने वाले 15 दिनों के भीतर ही जम्मू कश्मीर के अंदर नया उपराज्यपाल, यानी कि जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल जम्मू कश्मीर की जनता को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलने जा रहा है। आप फिलहाल जुड़े हैं बाहु एक्सप्रेस साहब वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।